बड़ी खबर बता दें, बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने पटना के शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी में, जिनसे रंगदारी मामले का मामला सामने आया है और पटना के शास्त्री नगर में ये मामला उन्होंने दर्ज करवाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां सियासी हलचल तेज है। एनसीपी चीफ शरद पवार पहले सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे और उसके फौरन बाद उद्योगपति गौतम अडानी शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। समझिए आखिर महाराष्ट्र में इन बड़ी मुलाकातों के मायने क्या है। कल शाम की इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का बाजार गर्मा दिया है। तस्वीरें तब की हैं जब अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंच गए। इस मुलाकात से पहले शरद पवार सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने उनके सरकारी निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे थे। यहां करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई। रात करीब 7:45 बजे पवार सीएम आवास से निकले और इसके फौरन बाद उद्योगपति गौतम अदाणी पवार के सरकारी आवास सिल्वर ओक पर उनसे मिलने पहुंच गए। बड़ी मुलाकातों का ये दौर तब हुआ जब उद्धव ठाकरे विदेश के दौरे पर हैं। एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर पवार ने ट्वीट किया, बताया मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम के लिए सीएम को आमंत्रित करने के लिए मिला। मराठी कलाकारों शिल्पकारों की समस्याओं पर भी बात हुई। वहीं अदाणी से मुलाकात की वजह भी पवार ने ऑफ कैमरा बताई। कहा कि सिंगापुर से कुछ प्रतिनिधि उनसे मिले थे, जिन्हें कुछ तकनीकी मुद्दों पर गौतम अदाणी से मिलना था। अदाणी इसीलिए उनसे मिलने आए थे। दिल्ली सरकार के अधिकारों की लड़ाई में विपक्ष को एकजुट करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं रांची। आज रांची में केजरीवाल हेमंत सोरेन का समर्थन मांगेंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप सीधे चेन्नई से रांची आई है। मकसद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हासिल करना। केजरीवाल और भगवंत मान आज दोपहर 12:30 बजे हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। रांची पहुंचने से पहले कल अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। BJP has only 93 members out of 238. If all the non-BJP parties come together, we can defeat this bill in parliament. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया कि इन्होंने कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।